हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको जर्नल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पर नहीं लिखी जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो शायद मैं बोल के एक्सप्लेन और जो आपके लिए बाद में हेल्पफुल हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। Now, as you can see on board, first question है, Rickets is a disease associated with the deficiency of किस disease की deficiency से, sorry किसकी deficiency से होता है? So इसका answer है vitamin C या vitamins, जो भी आप इसको pronounce करते हैं, vitamin D and calcium, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है सिर्फ विटामिन डी ऑप्शन में हो सकता है विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ऑप्शंस में हो, तो आप दोनों लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर दोनों में से जो भी हो आप वो लिख सकते हैं, आंसर इसके लिए दोनों वैलिड है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिशिएंसी, सबसे पहली चीज आती है कि रिकेट्स क्या होता है। इसमें जो बोन्स होती हैं, ये बेसिकली बोन्स से रिलेटेड है, तो इसमें जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और बोन्स में वीकनेस आ जाती है। वीकनेस की वजह से बोन्स में पेन होने लग जाता है, ठीक है। मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, आप चाहें तो इसको नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है। ये जो दोनों विटामिन्स हैं, ये जो दोनों चीजें विटामिन डी और कैल्शियम, ये बोन्स चिल्ड्रंस में बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी बोन्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में इसका एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इसके लिए कौन सा फूड अच्छा है, मतलब जो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करे। तो आप इसमें फूड में लिख सकते हैं फिश, इसके अलावा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज हो गया, ठीक है, कर्ड, योगर्ट, कुछ भी ऐसी चीजें जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा मशरूम है और ऑरेंज जूस है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा विटामिन डी का तो सबने सुना ही होगा कि ये सन से मिलती है, बट ऐसा नहीं है। विटामिन डी हमें सन से मिलती नहीं है, विटामिन डी को हमारी जो बॉडी है ना वो क्रिएट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जब आपकी बॉडी या स्किन सन के एक्सपोजर में आती है या जब बॉडी एक्सपोज होती है उस पे सनरेज पड़ती हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उससे जो विटामिन डी है वो क्रिएट करी जाती है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एसिड फाउंड इन एप्पल, एप्पल फ्रूट में जो एसिड मिलता है वो कौन सा एसिड है। सो इसका आंसर है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर मिलता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H6O5, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अलावा जो मैलिक एसिड है इसका यूज मेडिसिंस बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये साइन एजेंट्स को दूर करता है, ठीक है, और इसके अलावा डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। डेड स्किन सेल्स रिमूव करी जाती है बाय मैलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा अब जो एप्पल है, इसके अलावा और कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें मैलिक एसिड होता है, वो है ग्रेप्स, ठीक है, और चेरी, चेरीज में भी ये मिलता है, ये फ्रूट्स हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, जो वेजीज हैं जिनके अंदर ये मिलता है, वो है कैरेट और ब्रोकली। इसके अलावा जो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वो ये कि इनके अंदर जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। सो ये था एसिड फाउंड इन एप्पल, तो मैलिक एसिड, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है मेडिसिन में, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए और साइन एजेंट्स को दूर करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो फ्रूट्स हैं और एप्पल के अलावा जिसमें ये मैलिक एसिड पाया जाता है वह ग्रेप्स और चेरीज, और वेजीज में आया कैरेट और ब्रोकली, इसमें विटामिन सी मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियाट्रिक सर्जरी मेक्स चेंजेस टू अ पर्सन। सबसे पहली चीज, बहुत नया सा वर्ड हो सकता है आपके लिए, बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है। हमारे पास बहुत सारी सर्जरीज अवेलेबल होती हैं वेट लूज करने के लिए, तो ये उनमें से ही एक टाइप है। जब वेट लूज करने के लिए जो सर्जरी होता है उसका एक टाइप है बैरियाट्रिक सर्जरी। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो इसका आंसर है वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ज
जब कभी भी बैरियाटिक सर्जरी लिखा हो तो समझ जाना डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ होने वाला है आंसर जो आपको पॉइंट्स में गिवन होगा। इसमें होता क्या है, जो वेट लूज की सर्जरी ऑब्वियसली, तो इसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके साथ में चेंजेस लाए जाते हैं वेट को लूज करने के लिए। अब ये जो सर्जरी है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती है तो जो वेट पहले जितना बढ़ रहा होता था उससे बहुत ज्यादा रैपिड रेट पे बढ़ने लग जाता है, उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ होने लग जाती है। इसके अलावा अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाए तो भी इसलिए बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट इसका बॉडी पे पड़ सकता है। अब इसमें जो फूड अवॉइड करने के लिए बोला जाता है आफ्टर दिस सर्जरी वो है केक, ठीक है, केक्स पेस्ट्री चॉकलेट्स या जो भी जिसमें इतना फैट फूड होता है, जंक फूड जितने भी होते हैं उन सबको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, स्पेशली राइस पोटैटो इस टाइप के फूड्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीजेस, जो वाटर है वो फ्रीज किस टेम्परेचर पे होता है। तो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मार्क करने वाली है वो ये कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन फेरेनहाइट, तो इसमें जो टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीज करता है वो कितने पे होता है। सबसे पहली चीज तो आपको दो पॉइंट्स बताऊंगे वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग से रिलेटेड, 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, ये दो आपने सुने होंगे। अब यहां पे बोला गया है अगर सेल्सियस में, ये जो है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाता है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, यहां पे आपसे फेरेनहाइट में पूछा गया है तो वो 32 होगा, और अगर इसके अलावा आपसे केल्विन में पूछा जाए तो आप लिखेंगे 273.15 केल्विन, तो ये तीन टेम्परेचर के लिए है, तीनों है ये जिसपे वाटर फ्रीज करता है। 0 डिग्री सेल्सियस में अगर सेल्सियस में पूछा जाता है, फेरेनहाइट में 32 हो गया, और अगर केल्विन में पूछा जाता है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ऐसे ही आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो अगर सेल्सियस में मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फेरेनहाइट में बात करूं तो 212 डिग्री, ठीक है। तो ये था वाटर का, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये बॉइलिंग पॉइंट है बीपी, और ये जो है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो भी आप समझ लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक डिवाइस आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस डिवाइस का नाम आपको बताना है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है, जो एयर में या फिर सॉइल में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको कैलकुलेट करता है या फिर एयर में ह्यूमिडिटी को बताता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने लिए थे, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल हो। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करिए, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।